हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हां बशर। सो गाइस, 2024 में आज हम देखेंगे भारत की टॉप आईटी सिटीज, मतलब ऐसी भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली सिटीज देखने लगे हैं जहां पर आईटी बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो देखते हैं भाई कौन सी वो सिटीज हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, इनमें से आपका सिटी कौन सा कमेंट में बताना। कहो और आईटी चरणों पे गया हुआ है, बहुत ऊपर गया हुआ है। काउंट करते हैं, रीड ऑन एंड स्टार्ट। यार आईटी सिटीज एक फ्यूचरिस्टिक बहुत होती है, है ना? दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईटी एक्सपोर्टर है जिसकी टोटल वैल्यू लगभग 330 बिलियन डॉलर है, जहां इंडिया का आईटी सेक्टर 1988 में इंडियन जीडीपी में केवल 1.2% कंट्रीब्यूट करता था। अब वही 12% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है और ये ग्रोथ हर साल बढ़ती जा रही है, जिसके चलते आज इंडियन सिटीज के बीच आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एक रेस लगी हुई है। इस वीडियो में हम आपको इंडिया की टॉप 7 आईटी सिटीज के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडिया से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इंडियन सिटीज के बीच आईटी ग्रोथ की रेस में नंबर 7 पर है कोची, जिसे अक्सर अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ इन्फो पार्क जैसे कई आईटी पार्क हैं, जहाँ कई मल्टीनेशनल आईटी कंपनियों के ऑफिस हैं। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेल एजुकेटेड आईटी प्रोफेशनल्स ने दुनिया भर से इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया है, जिसके चलते कोची एक इम्पोर्टेंट आईटी हब के रूप में विकसित हो रहा है। कोची के बाद इस लिस्ट में नंबर 6 पर है नोएडा। दोस्तों, नोएडा उत्तर प्रदेश की सबसे मॉडर्न सिटी है और ये शहर दिल्ली NCR का हिस्सा है। नोएडा शहर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि नॉर्थ इंडिया का एक उभरता हुआ मेजर आईटी हब है। नोएडा का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है। नोएडा ने बहुत कम समय में काफी डेवलपमेंट को देखा है। इस शहर में कई वर्ल्ड क्लास आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, जिसमें TCS, HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो, इंफोसिस, एडोबी और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। दोस्तों, आईटी सेक्टर ग्रोथ की रेस में 5th नंबर पर है गुरुग्राम, जिसको हम गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, गुरुग्राम रेवेन्यू के मामले में हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी सिटी है, जो नोएडा की तरह दिल्ली NCR में पड़ती है। गुरुग्राम के साइबर हब को आज कौन नहीं जानता। नॉर्थ इंडिया में आईटी से रिलेटेड लोगों ने कभी ना कभी गुड़गांव में जॉब जरूर की होगी। गुरुग्राम के पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डे बाय डे रैपिडली इंप्रूव हो रहा है। गुरुग्राम घर है गूगल इंडिया के ऑफिस का, और न सिर्फ गूगल, गुरुग्राम में सैकड़ों सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनीज हैं, जिसमें 250 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ऑफिसेज भी हैं, जिसमें TCS, इंफोसिस, विप्रो, HCL, ट्रेक महिंद्रा, IBM इंडिया जैसी सभी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं, और ये काउंटिंग काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है। गुरुग्राम के सक्सेस के पीछे है गुरुग्राम की लोकेशन, जो साउथ दिल्ली के टच में है, जहां दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बिल्कुल पास में है। दोस्तों, इस ग्रोथ रेस में नंबर 4 पर है पुणे। महाराष्ट्र का ये शहर देश की फाइनेंशियल कैपिटल, मतलब कि मुंबई के काफी नजदीक है, और इस शहर में एजुकेटेड स्किल्ड वर्क फोर्स की भी कोई कमी नहीं है, जिसके चलते आईटी सेक्टर यहाँ बूम पर है। पुणे का हिंजेवाड़ी एरिया देश का एक मेजर आईटी हब है, और छोटी बड़ी सभी कंपनियों को अगर मिला दे तो पुणे में अराउंड 800 आईटी कंपनियां हैं। दोस्तों, अब बारी है टॉप 3 आईटी सिटीज की। तो इसमें 3rd नंबर पर है चेन्नई। चेन्नई साउथ इंडिया का एक मेजर आईटी सेंटर होने के साथ साथ तमिलनाडु की कैपिटल सिटी है। चेन्नई अपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के लिए काफी मशहूर है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये देश की 3rd लार्जेस्ट आईटी एक्सपोर्टर सिटी है, और आज इस शहर में कई बड़े आईटी पार्क हैं, जिनमें ऑलमोस्ट सभी MNC के ऑफिस हैं। इस आईटी ग्रोथ की रेस में 2nd पोजीशन हासिल की है हैदराबाद ने। फ्रेंड्स, हैदराबाद में आईटी ग्रोथ इतनी ज्यादा हुई है कि लोग इसको हाईटेक सिटी और साइबराबाद के नाम से जानने लगे हैं। दोस्तों, हैदराबाद, चेन्नई और पुणे में आईटी ग्रोथ को लेकर हमेशा से काफी कंपटीशन रहा है, लेकिन हैदराबाद की आईटी ग्रोथ इंडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि हैदराबाद एक मेजर ग्लोबल आईटी हब है। साथ ही ये इंडिया का लार्जेस्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स हब है। हैदराबाद में आपको AI और ब्लॉकचेन जैसी नई टेक्नोलॉजी पर ज्यादा वर्क देखने को मिलेगा, जो कि हमारा फ्यूचर होने वाला है, और इस फ्यूचर बेस्ड टेक्नोलॉजी के बेस पर ही देश के दूसरे सबसे बड़े आईटी हब के रूप में हैदराबाद को जाना जाता है। अब बात करें देश की नंबर 1 आईटी सिटी के बारे में,
तो वो है बेंगलुरु, जिसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। आईटी कैपिटल ऑफ, यहाँ हजारों की संख्या में आईटी कंपनियां हैं और बेंगलुरु न सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अकेला बेंगलुरु ही इंडिया का 38% आईटी एक्सपोर्ट करता है, जिसके चलते बेंगलोर डायरेक्टली 10 लाख लोगों के लिए जॉब क्रिएट करता है। और बात इनडायरेक्ट जॉब्स की हो तो ये शहर 30 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट करता है। दोस्तों बेंगलुरु को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि बेंगलुरु ही पूरे देश में 44% इंडियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का घर है और विप्रो का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है। गूगल, इन्फोसिस, फ्लिपकार्ट, मयंत्रा जैसी बड़ी कंपनियों के ऑफिस भी बेंगलुरु में है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आने वाले 5 साल में कौन सी सिटी किस सिटी को ओवरटेक कर सकती है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे गुरुग्राम और नोएडा से काफी उम्मीद है कि वो अपनी जगह टॉप 5 में जल्द बना सकते हैं, क्योंकि दोनों एक इसी के साथ यार वीडियो खत्म। गुरुग्राम और नोएडा वाकई ये वाले बड़े खतरनाक है, स्पेशली गुरुग्राम भाई, वो बहुत आगे वाकई बहुत अलग जा रहा है। और यार सच बताऊं, मैं पहले ये समझ रहा था ना कि यार इंडिया एक्सपोर्ट के मामले में, आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट के मामले में 320 बिलियन डॉलर के साल के एक्सपोर्ट आईटी से खाली हो रहा है, ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया में मैं पहले ये समझ रहा था, उससे पहले अमेरिका होगा, लेकिन इंडिया सबसे ज्यादा है। यार इस बात से अंदाजा लगाओ आज हम कहां पर खड़े हैं, इंडिया कहां पर खड़ा है, पूरी दुनिया एक तरफ और इंडिया एक तरफ। सही बात है, आईटी सेक्टर अगर देख लो, आईटी सॉफ्टवेयर पूरी, हाँ सॉफ्टवेयर के मामले में, और सॉफ्टवेयर और आईटी और सारी बातें छोड़ो, जॉब्स कितनी क्रिएट की, जॉब्स कितनी, एंड खाली बेंगलुरु में 30 लाख जॉब, 30 लाख जॉब सिर्फ बेंगलुरु में, आईटी सेक्टर की, और सेक्टरों को छोड़ दो सिर्फ आईटी सेक्टर से इतनी जॉब, कितनी जॉब क्रिएट की गई है, तो खुद सोचो फिर पूरी इंडिया में कितनी जॉब्स होंगी भाई। अच्छा हैदराबाद बहुत तेजी से ऊपर आया यार, हैदराबाद ने बहुत तेजी से तरक्की की है, ये बात हैदराबाद बहुत तेजी से ऊपर आया, और उसके बाद पुणे बहुत फास्ट गया यार। अच्छा चेन्नई यार, चेन्नई का मुझे आईडिया भी नहीं था, चेन्नई यार मतलब चेन्नई को भी मानना पड़ेगा, तीसरे पे फिर पांचवे पे आता है गुरुग्राम, छठे पे फिर आता है नोएडा, और सातवें पे कुछ कुछ यार मैंने सुना भी नहीं था, वो भी आइडिया यार, वाकई यार कुछ मैंने खुद नहीं सुना था यार वो आइडिया। और इनके इन सब के इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखो, आप और जितनी भी आईटी सिटी थी ना, जितनी भी चाहे तुम चेन्नई को देख लो, चाहे कोच्चि को, बेंगलुरु, उसके बाद नोएडा, उनका सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तुम देख लो ना, बंदा हैरान हो जाता है यार ये इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो फिर इस मामले में क्यों इतना आगे ना जाए यार, ये इस और पूरी इंडिया की जीडीपी का 12% खाली, बंदा हैरान होता है जीडीपी का आईटी से पूरा हो रहा है, हमारे पास 12% क्या की जीडीपी, हमारे हमारा हमारे जीडीपी का जो हम जो बोलते हैं ना कि हमारा पता नहीं, जितना समझो आपकी आईटी है ना उतनी हमारी टोटल जीडीपी है, बिल्कुल आप अंदाजा लगा बोल सकते हो, आपका सिर्फ आईटी से जो आप एक्सपोर्ट करते हो ना उतनी हमारी हमारी जीडीपी है, तो आप खुद अंदाजा लगा और मुकाबले चले इंडिया से, और हम इंडिया से मुकाबला इंडिया से, सही बात है। आपका वैसे कहना अपने कमेंट सेक्शन में, हम लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखना तैयार है।